नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का। मित्रों, एक शब्द आप बहुत सुनते होंगे, कंफर्ट जोन। ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब वो बाहर निकलेंगे तो उन्हें रिस्क उठाना पड़ता है कि कहीं जीवन में असफलता हाथ ना लगे, हार हाथ ना लगे, या हम जो करना चाहते हैं वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कठिनाइयाँ आएंगी, दुविधाएँ आएंगी, बातें आएंगी, आदि आदि इत्यादि। लेकिन जब तक आप उस जोन से बाहर नहीं निकलते, तब तक आप नई चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते, नई ऊंचाइयों, नई बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकते। आप किसी व्यापारी का उदाहरण ले लें, जो सोचता है कि मैं रिस्क ना लूं लेकिन कंफर्ट जोन में ही रहूं, तो वो वहीं तक सीमित रह जाता है, एक दायरा बन जाता है। और जो लोग रिस्क लेते हैं, हिम्मत रखते हैं कुछ करने का, वही लोग शिखर की ओर बढ़ पाते हैं। अब हमें अपने जीवन में देखना है कि हमें एक दायरे तक सीमित रहना है या आकाश की बुलंदियों को छूना है। ऐसा ही है आज का कुछ सुंदर सा सुवाक्य। आइए देखते हैं, सुनते हैं। सुविधा क्षेत्र के अंदर उन्नति कभी नहीं होती। खुद को बेहतर बनाने की इच्छा तो हम सब रखते हैं, मगर इसके लिए कई बार हमें अपने पुराने विचार, व्यवहार और कर्म को बदलना पड़ता है। ये बदलाव अक्सर कठिन होता है, क्योंकि पुराने ढंग से जीने में ही हमारी सहूलियत है। मगर याद रखिए कि अगर हम वही करते रहें जो पहले करते थे, तो हमें वही मिलेगा जो पहले मिल रहा था। इसीलिए अगर हमें वाकई उन्नति करनी है, तो कुछ समय के लिए अपनी सुविधा को छोड़ दृढ़ता से उस बदलाव के लिए खुद को ढालें। मित्रों, एक मोटिवेशनल स्पीकर ने एक बहुत प्यारी सी बात कही। उसने कहा, जब एक ही चुटकुला हमें बार बार नहीं हंसा सकता, तो एक ही दुख की बात हमें बार बार क्यों रुलाती है? इस पर हमें गौर करना चाहिए। हम अपनी दुख की बात को बहुत जकड़ कर रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं, और वही बात बार बार हमें निराश कर रही होती है, बार बार हमें नीचे की ओर धकेल रही होती है, हमारी सफलता के मार्ग में अवरोध पैदा कर रही होती है। हमें विचार करना होगा, यदि तन भी अस्वस्थ हो गया है तो हम रोते ना रहें, लेकिन शांत मन से धैर्यचित होकर के उसके निदान के बारे में सोचें। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम समस्या को लेकर बैठें, रोते रहें, या समाधान की ओर देखें और आगे बढ़ें। हम भी यही चाहते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें, और यदि तन स्वस्थ नहीं है तो मन को स्वस्थ रखते हुए समाधान की ओर देखें। और यही कारण है कि प्रतिदिन नई नई बातें लेकर सेहत की आपके लिए हम आते हैं। आइए देखें आज इस पिटारे में क्या है। ओम शांति। हमने डायबिटीज़ के बारे में फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, कुछ जाना था, लेकिन अभी सेकेंड वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायबिटीज़। बिना एक्सरसाइज के डायबिटीज़ को हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सूर्य नमस्कार, मंडूकासन, सर्वांगासन, तड़ासन, कपाल भारती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये कुछ आसन हैं, आप अगर करते हैं इसको कंटिन्यू, तो आई एम श्योर कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और लेफ़्ट साइड करवट लेके सोएं, कभी भी सीधा सोने से अच्छा लेफ़्ट साइड करवट लेके सोएं, तो बहुत फ़ायदा होता है उससे। और इसके अलावा हमको डी स्ट्रेस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद डायबिटीज़। और आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत कॉमन हो गया है, तो स्ट्रेस को ज़रूर आप अवॉइड करें। डी स्ट्रेस के लिए राजयोगा मेडिटेशन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसको ज़रूर सीखें। ओम शांति। तो आप संपूर्ण स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम प्रतिदिन विशिष्ट जनों से मुलाकात करते हैं। और आपको भी इंतज़ार रहता होगा कि आज कौन से महानुभाव हैं जो अपने जीवन के निचोड़ को हमारे सामने रखने वाले हैं, या आध्यात्मिक जो परिसर है ब्रह्म कुमारी इसका, वहाँ आकर के किस प्रकार का सुंदर अनुभव इन्होंने प्राप्त किया है।
सचमुच मित्रों, अध्यात्म एक ऐसा संबल है जो जीवन को प्रकाशित कर देता है, एक नई दिशा दे देता है, या जब हम कभी नीचे गिर रहे होते हैं तो हमें संभाल लेता है, ये विश्वास जगा देता है कि नहीं, तुम गिरने के लिए नहीं लेकिन उठने के लिए, चढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बने हो। और ऐसे ही सुंदर अनुभव हमारे विशिष्ट जन प्रतिदिन हमारे साथ साझा करते हैं, आइए सुने। So we had visited the center in Abu, not the headquarters here. Gyan Sarovar. At Mount Abu. Yeah, and the effort was to put together what is Raj Yoga all about. Unfortunately, I don't have a copy of that production. It was, as I mentioned, it was very, very early in my career and not stored most of my work at that point in time. So when it comes to, when you're talking about, you know, you worked upon this Raj Yoga, and so you might have gone through understanding about its process, even practicing it. I wouldn't want to make any tall claims. For me, it's important to be a good human being, first of all, to add value to whoever and in whatever ways. Whether it is in your relationships at home, as a mother, as a wife, as a daughter, daughter-in-law, as a colleague to all the people I work with, try and not hurt anyone. That is also a form of leading a good life. Exactly, why not? Living values in your life. Yeah. That's spirituality. Yeah, to me it is. And I would love to do meditation. I do it, but not too regularly. मित्रों, मनोविज्ञान ये कहता है कि खुशी और कामनाएं जैसे दो पलड़ों में रखी हुई हैं। यदि आपकी खुशी को आप 100 करना चाहते हैं तो अपनी कामनाओं को आपको 0 करना होगा, और यदि कामनाएं 100 हैं तो आपकी खुशी 0 हो जाएंगी। और जितनी पैमाने में ये चीज़ें रहती हैं उसी पैमाने में आपकी खुशी, आपका आनंद रहता है। इसीलिए शायद गीता में प्रभु ने हम सबसे कहा कि कामनाओं से स्वयं को मुक्त कर लो, क्योंकि कामनाओं का कहीं कोई अंत नहीं है। आवश्यकताएं अच्छी हैं, सपने देखना अच्छी बात है, उसके पीछे भागना अच्छी बात है, लेकिन कामनाओं में जकड़ कर रहना ये कहीं ना कहीं हमारी खुशी को छीन लेता है। और अध्यात्म ही हमें ये सिखाता है कि कैसे आप अपनी कामनाओं से मुक्त हो सकते हैं और अपनी खुशी को 100% कर सकते हैं। और यही कला, यही सीख ब्रह्मा कुमारी सभी को प्रदान कर रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में उनकी इन सेवाओं को। जीवन की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण मानसिक संतुलन होता है, जिसके अभाव में परिस्थितियों को पार करना मुश्किल हो जाता है। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अजमेर की ब्रह्मा कुमारीज केंद्र प्रभु उपहार भवन में माइंड मैनेजमेंट विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रीजनल कॉलेज के 250 छात्राओं और 25 टीचर्स ने भाग लिया। बीके रानी और बीके योगिता ने सभी को तिलक लगाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में बीके रूपा ने विभिन्न क्रियाकलाप के माध्यम से एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने की टिप्स दी। हमें अपने मन को संतुलित करने के लिए ध्यान करना चाहिए, जिसे ही राजयोग कहा जाता है। हमें जीवन के हर खुशी के पल जो हमें ताकत देते हैं उसे याद करना है और दुखों को भूलना है। इसके साथ छात्राओं ने प्रभु उपहार भवन में आध्यात्मिक आर्ट गैलरी का भी अवलोकन किया और उसमें बने चित्रों को बी के ज्योति और बी के संचिता व बी के रानी ने भली भांति समझाया और यह स्पष्ट किया कि आत्मा ड्राइवर है और शरीर कार मुहाफिक है। अब कलयुग के अंत में आत्माओं की बैटरी समाप्त होने कारण उसे पुनः चार्ज करने के लिए राजयोग मेडिटेशन करना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में बी के शांता ने सबको फल और प्रसाद देके संतुष्ट किया। मित्रों, बचपन में एक पंक्ति ने मुझे बहुत प्रेरित किया था, आज भी प्रेरित करता है और हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आज जाते जाते वो बचपन की सुंदर प्रेरक पंक्ति मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, क्योंकि ये सचमुच बहुत ही प्रेरक है, बहुत ही मूल्यवान है और संपूर्ण सत्य भी है। पंक्ति ये थी, खुद को सूरज बनना पड़ता है, कोई दान में देता नहीं धूप। बहुत ही गहन है मित्रों। यदि कुछ बनना है हमें
खुद ही परिश्रम करना होगा। किसी के दान के इंतज़ार में, किसी के रहमत के इंतज़ार में, किसी की मदद के इंतज़ार में कि ये शायद कुछ मेरे लिए करे फिर मैं कर पाऊँगा, बढ़ पाऊँगा, नहीं। अपने उमंग, अपने हौसले के आधार पे ही आकाश को छुआ जा सकता है, कुछ बना जा सकता है। तो फिर से वो पंक्ति ज़रूर अपनी डायरी में नोट करके रखिएगा, अपनी बुद्धि में भी, कि खुद को सूरज बनना पड़ता है, कोई दान में देता नहीं धूप। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।